हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नेंस ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ में गवर्नेंस कैसे चलता है, ये आईएमएफ है, पूरा आईएमएफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है और इतने सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं इसमें, तो ये कौन होते हैं, कौन इसको डायरेक्ट करता है, कौन किसका क्या काम होता है, वो सारा कुछ हम अभी देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है आईएमएफ का, इसमें कौन कौन होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो कि सबसे हेड होते हैं, सबके हेड। ये कमिटीज़ हैं दो जो कि एडवाइजरी कमिटीज़ हैं, इनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एडवाइस करती हैं। ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं, इनके बहुत सारे पावर्स को ये लोग संभालते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन पर काम करते हैं। ये जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ में काम करते हैं, इनके जो ये काम मतलब इनके नीचे होते हैं और वो सेम लगभग काम करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इनको इलेक्ट करती हैं, ठीक है। उनके नीचे होते हैं स्टाफ्स जो कि बाकी का ग्राउंड लेवल का काम करते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, जो हमने पहले वाले में देखा था, बोर्ड ऑफ गवर्नर जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ये गवर्नर्स होते हैं और अल्टरनेट गवर्नर्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ गवर्नर्स एंड अल्टरनेट गवर्नर्स। ये बेसिकली होते कौन है, जो कंट्रीज होती हैं उन वो सारी ना अपने वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव को भेजती हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को, वही गवर्नर्स होते हैं। और अल्टरनेट गवर्नर्स, जब ये गवर्नर नहीं होते हैं तो उनकी जगह पे, प्रिंसिपल गवर्नर्स जब नहीं होते हैं तो उनकी जगह पे ये काम करती हैं, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ होती हैं वो हर मतलब हर कंट्री, एक एक कंट्री जितनी 190 कंट्री है, तो 190 कंट्री अपने कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है यहाँ पर, ठीक है। और वो सारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। मोस्टली कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को या फाइनेंस रिलेटेड जो हैं उनको भेजती हैं, या जो आरबीआई के गवर्नर हैं या फिर आरबीआई के हेड, उनको भेजती हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका जो पावर जो होता है, ये अपना पावर बहुत सारा सा एग्जीक्यूटिव बोर्ड को दे रखे होते हैं। पावर्स कौन कौन सी दे रखे हैं इन लोगों ने, मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन कौन से पावर्स दे रखे हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अभी देखते हैं क्या होता है। रिटेन द राइट ऑफ अप्रूव, राइट टू अप्रूव कोटा इंक्रीज, जो कोटा इंक्रीज करना है, ये कोटा का जितना भी है वो दे रखा है उनको। स्पेशल ड्राइंग राइट्स लोकेशन, ड्राइंग राइट्स जो लोकेशन है उसका भी, उसकी जिम्मेदारी भी दे रखी है, उसका पावर दे रखा है। द एडमिटेंस ऑफ न्यू मेम्बर्स, एडमिटेंस ऑफ न्यू मेम्बर्स का मतलब क्या है। पहले जब ये आईएमएफ बना था तो इसमें कितनी कंट्रीज थी, सिर्फ 44 कंट्रीज थी, मेंबर कंट्रीज़। अभी कितनी है, 190 कंट्रीज़ है। तो 44 से 190 कंट्रीज़ आई हैं, तो इन लोग का एडमिटेंस तो होता ही है, तो ये लोग वो काम भी करते हैं, इनको एडमिट भी करते हैं आईएमएफ के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट है कंपल्सरी विदड्रॉल ऑफ मेंबर्स, काफ़ी बारी निकालना भी होता है मेंबर्स को, तो वो निकालते भी हैं। अमेंडमेंट्स टू द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट होता है जिस पर आईएमएफ वर्क करता है, उसको अमेंड करते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होते हैं वो अलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, तो इनके फंक्शन समझ में आए, कौन होते हैं ये भी समझ में आए। मिनिस्ट्रियल कम्युनिटी, ये कमिटी सॉरी ये दो हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस फाइनेंशियल कमिटी और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमिटी, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में अभी हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या है। मिनिस्ट्रियल कमिटी, ये दो कमिटीज़ जो हैं, जो कि बेसिकली ये एडवाइस करती हैं किसको, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, किन किन मामलों में, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, करती क्या है। ये डिस्कस करती हैं मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न्स, जो कि अफेक्ट करता है ग्लोबल इकोनॉमी को, ये जो ग्लोबल इकोनॉमी को कंसर्न करता है, अफेक्ट करता है, उस पर ये काम करती हैं। और उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ये एडवाइस करती हैं। जो डेवलपमेंट कमिटी है, ये क्या करती है, जो डेवलपमेंट कराती है, जो इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो इश्यूज़ होते हैं उन पे वर्क करती है, उनको ठीक करने की कोशिश करती है, और उसके अकॉर्डिंग ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एडवाइस करती है। ये दोनों में, ये दोनों को डायरेक्ट करती है, आईएमएफ को भी और वर्ल्ड बैंक को भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपने पावर किसको दे रखे थे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होती है, ये जो बोर्ड होती है 25 मेंबर होती हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 मेंबर्स होते हैं, 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, सॉरी 25 कह रही हूँ, 24 होते हैं। ये परफॉर्म करती हैं डेली जो बिजनेसेस होते हैं, डेली बिजनेसेस वो परफॉर्म करती हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, ये साल में वन ईयर में एक बारी मीटिंग करते हैं बस, ठीक है। और बाकी के जो डेली के बिजनेसेस होते हैं कौन करता है परफॉर्म, एग्जीक्यूटिव बोर्ड करते हैं।
ये कहाँ पे सिचुएटेड है आईएमएफ, तो ये सिचुएटेड है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में प्रेजेंट है। ठीक है, बोर्ड ऑफ बोर्ड जो है डिस्कस करते हैं सारे एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क फ्रॉम आईएमएफ स्टाफ्स, फंड के जितने भी होते हैं उसको डिस्कस करते हैं ये लोग आईएमएफ स्टाफ्स के साथ। ठीक है, ये चेक करते हैं कि मेंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी, इकोनॉमीज़ कैसे हैं, ताकि उनको ये डेवलप कर सके, अगर कोई कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे तो उसको ठीक कर सके, क्योंकि आईएमएफ का एक फंक्शन होता है कि वो कंट्रीज़ को डेवलप करने में हेल्प करें। ठीक है, उनको रेगुलेट करें, तो इसलिए ये इकोनॉमीज़ को चेक करती, पॉलिसीज़ को चेक करती रहती हैं। नेक्स्ट है, ये जो डिसीज़न करती हैं वो कंसेंसस के बेसिस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर किसके द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और उनके अंडर में होते हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं, चेयर करते हैं मीटिंग्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के मीटिंग को चेयर करते हैं, चूज़ बाय मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स इनको चूज़ करते हैं, 5 ईयर का टर्म होता है, और ये फंड्स के जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं उनको करते हैं। यहाँ ऑर्डिनरी सिर्फ लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी होता नहीं है, क्योंकि कोटा पता होगा आपको कोटा क्या होता है, नहीं पता है तो वीडियो में देखो पता लग जाएगा, मैंने दे रखी है उसकी वीडियो, कोटा की वीडियो भी। तो कोटा, हर कंट्री का फंड आना, हर कंट्री को फंडिंग करना, तो ये आसान काम नहीं होता है, बस लिखा है ऑर्डिनरी। सो थैंक यू, इतना ही था इसमें, हैव अ नाइस डे। आई होप ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी, और नहीं समझ में आई होंगी, नहीं आई हैं तो चीज़ें देखो सब समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर बताया आईएमएफ में क्या क्या होता है, कौन कौन लोग होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।